दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान भीषण ठंड के मौसम में बेमौसम बरसात को भी झेल रहे हैं, लेकिन किसानों की कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। इसी के चलते किसानों की मांगे नहीं मानने के कारण पानीपत के समालका से पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर ने भाजपा पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि वह आज यहां पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों की जायज मांगों को नहीं मान रही है। कृषि कानून किसान विरोधी हैं, इससे किसानों का कोई भला नहीं होने वाला। सरकार को इन कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपकर बेहद ही गलत किया है, जिसकी वह कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है और काले कानूनों को उन पर थोपा जा रहा है। सरकार बड़े व्यापारियों का समर्थन कर रही है। जो भंडारण की नीति दी गई है, इससे ना तो खुलेआम कालाबाजारी करने का मौका दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि वह हमेशा किसानों के साथ हैं, किसानों की समस्याओं को हल करवाने के लिए वह संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि कानून लागू करना किसानों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया अपनाने जैसा है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि सरकार किसानों के साथ निंदनीय व्यवहार कर रही है। कई बार किसान सरकार के साथ वार्ता भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार अपनी हठ धर्मिता पर उतारू है। आलम यह है कि किसान भयंकर सर्दी में आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की सभी मांगों को मानते हुए कृषि कानून रद्द करें, ताकि किसान अपने घर अपने परिवार के पास जा सके। उन्होंने कहा कि 4 जनवरी को भी सरकार ने किसानों के साथ मजाक किया है। उन्होंने कहा कि सरकार जबरदस्ती कृषि कानूनों को सरकार पर सौंपना चाहती है, जो गलत है। किसान अन्नदाता है, आज उसकी बदौलत हम सबको अनाज मिलता है, लेकिन किसान की अनदेखी हो रही है। आलम यह है कि किसान पिछले कई दिनों से ठंड की परवाह ना करते हुए दिल्ली में भी आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। पूर्व विधायक ने चेताते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह अपना संघर्ष और तेज कर देंगे। उन्होंने कहा कि वह किसानों के हितों के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी सरकार ने किसानों के प्रति ये काले 3 कानून थोपकर अन्यायपूर्ण जो रवैया अपनाया है, और किसानों का अनुशासन इतने शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन का चलाना और वहाँ पर बैठना, और उसके प्रति सरकार का इतना गलत व्यवहार होना बिल्कुल निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और सरकार को मैं चेतावनी देता हूँ कि इस राजनीति से जो गहरी नींद में सोए हुए हैं, इसे जागने का काम करें, किसानों की मांगों का सम्मान मानने का काम करें, समर्थन करें, 3 काले कानून को रद्द करें और इन किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ से घर जाने के लिए कहे। अगर ये नहीं करती है, 4 तारीख की मुझे उम्मीद थी कोई फैसला होगा, लेकिन 4 तारीख को भी बार बार मीटिंग करे, कल भी वही नतीजा रहा। एक किस्म से किसानों के साथ मजाक किया रवैया है सरकार का। ये इनको बदनाम करना चाहते हैं, एक बात फैलाना चाहते हैं कि MSP सरकार देना चाहती है, किसान लेना चाहते, रद्द हो नहीं सकते। मैं कहता हूँ MSP भी देने वाले सरकार को, किसानों ने बोला ना जी 23 फसलों का MSP दे दे, लेकिन सरकार ने मना कर दिया कहते हुए कि 17 लाख करोड़ का बजट हम नहीं दे सकते। तो ये किसी बात को भी राजी नहीं है। किसानों का मजाक बने हुए हैं, ज़बरदस्ती थोपना चाहते हैं। ये बड़े बड़े व्यापारियों का समर्थन करते हैं और इनके जो इन्होंने भंडारण की जो नीति दी है कि भंडारण कोई कितना करे, इसे तो काला बाजारी बढ़ाने का खुला रास्ता दे दिया उनको। इसे 100% लोगों को दिखते आएंगी कि वो जिस समय में भंडारण ज़्यादा हो जाएगा, फिर माल शॉर्टेज हो जाएगी चीज़ों की, फिर उसके बाद मनचाहे रेट लेकर वो फिर जारी करेंगे किसी भी चीज़ को। तो मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें गलत है। और पार्टी छोड़ने का ऐलान किया आपने? पार्टी तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई कि हमें तो कोई काम नहीं, सरकार अगर जनहित के काम ही नहीं कर सकती और सरकार लोगों के प्रति ठीक व्यवहार नहीं कर सकती, और आज ये 1.25 महीने से ज़्यादा हो चुका है किसानों के प्रति इतना क्रूर व्यवहार,
आम बिस्तरे खुले आम खुले बाजार है आसमान के नीचे इतनी ठंड में बैठना, बारिश भी हो रही है, सरकार का आंख बीचना, इससे आहत होकर मैं आज इस पार्टी से अलविदा छुट्टी करता हूँ। मैं इस पार्टी में रहना चाहता, मैं 100% किसानों के साथ हूँ, उनका समर्थन करता हूँ, मुझे कोई राजनीति की भूख नहीं है। जब अन्नदाता ही खत्म हो जाएगा तो हमारा कोई भी नहीं बच पाएगा, क्या करेंगे हम सब पे? राजनीति तो बाद की बातें हैं। जो लोग जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था शास्त्री जी ने, भाई ये बेचारे जो किसान हैं इनके ही तो पुत्र हैं, वहाँ जो जवान भी हैं इनके ही पुत्र हैं जो पुलिस में भी ड्यूटी दे रहे हैं। अगर ये सब तबका एक हो गया तो ये सरकार सारी तहगी नहीं रहेगी। और ये आपने देख भी लिया इसका सबूत कि सरकारों ने एक दिन का किसानों ने बंद किया था, सब संगठनों के समर्थन को मिले हैं, और उसके बाद तो हमदर्दी बढ़ती जा रही है। सरकार का जो रूप है वो नंगा सामने आ चुका है कि सरकार बिल्कुल की नीयत ठीक नहीं है किसानों के प्रति। तो जीएसटी से और क्या आपका नोटबंदी से क्या नुकसान हुआ? नोटबंदी से ये नुकसान हुआ, जैसे कितने सैकड़ों लोगों की मौत हुई, और जो गृहिणी थी बेचारी अपना थोड़ा बहुत खजाना रखती थी वो सारी भिखारी बना दी, और उसके बाद इसके रोजगार पर बड़ा फर्क पड़ा। जो पैसा लोगों के पास था धंधा करते थे छोटे मोटे व्यापार करते थे वो सारे बंद हो गए। इस नोटबंदी का बड़ा भारी जो काला धन लाने की बात थी या काला धन खत्म करने की बात थी ये तो ज़्यादा हो चुका है पहले से, तो नोटबंदी में नुकसान ही हुआ, फायदा तो हुआ ही नहीं। नंबर दो, ये जो जीएसटी लगाई, आज के अखबार में भी दिया कि 7,000 व्यापारियों के खिलाफ जीएसटी चोरी के मुकदमे दर्ज हुए हैं, उससे पहले भी बहुत लोग हज़ारों लोगों के खिलाफ हो चुके हैं। इसका मतलब सब किस्म के व्यापारी से दुखी हैं। नंबर तीन, जो लॉकडाउन किया है इससे मजदूर पैदल चलते चलते महीनों तक मरते रहे, क्या सरकार अंधी थी, आंखें नहीं खुली थी, इन्होंने देखे नहीं मगर जाते हुए, हम सब ने देखा उनको मोबाइल में पड़े है, तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण रवैया था सरकार का। और अब ये किसानों के साथ इस तरह करना, ये काले कानून बिना मांगे थोपना और उनके साथ अन्याय करना, और सरकार में हिम्मत है, इन्होंने प्लान बनाई थी कि इन किसानों को पीट पीट कर भगा देंगे, भगा के दिखाए फिर कितनी बड़ी क्रांति आएगी सरकार को पता लग जाएगा। अब ये पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ है जो इतना अनुशासन में और शांतिपूर्वक तरीके से कोई भी तलाश था, मैं कहता हूँ इन्होंने अमरीका में सुनते थे ये हड़ताल भी करते हैं तो शांतिप्रिय तरीके से करते हैं और कहीं नहीं था, ये पहली बार उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर और वो भी हरियाणा के अंदर इतना बड़ा आंदोलन इस तरीके से चलाना, ये वाकई में किसानों को मैं कहता हूँ कि तारीफ का दिन है। और सरकार का रवैया पूरा ही दोषपूर्ण है, सरकार की नीयत में खोट है, हम उसकी निंदा करते हैं, हम 100% किसान के साथ हैं, पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर पार्टी ठीक काम करती तो हम इसमें थे, अगर ये किसी की जनहित की बातें ही नहीं कर सकते और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बचा सकते हैं और किसानों का हित कर सकते हैं तो हम इस पार्टी में रहने बिल्कुल ही ठीक नहीं समझते। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Banquets lie hai. Incredible marriage palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.